على اللهم صل محمد وسلم प्रोग्रामीर के साथ खा आशिक महंगाई एक ऐसा मसला है जिसका सामना यूं तो दुनिया सारी की सारी ही कर रही है लेकिन गरीब और तरक्की पजीर लिए कोरोना वायरस के बाद से इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है अगर वतन अजीज पाकिस्तान की बात की जाए तो महंगाई की हालिया तो पानी लहर ने गरीब का जीना दो भर कर दिया है और गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है पाकिस्तान में खाने पकाने का तेल हो चीनी है आटा है दालें हैं सब्जियां हैं फ्रूट है गोश्त है, है, है बिजली गैस के है, बिल है बच्चों की फीसें हैं या पेट्रोल वगैरह हर चीज मुतवस तबके की रेंज से बाहर होती जा रही है और मजदूर गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं वो महंगाई की इस चक्की में किस तरह पिस रहे हैं और उनको कैसे कैसे मसाइल का सामना है इसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है आज का गरीब महंगाई और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुदकशी जैसे फेले हराम का भी मरतकब हो रहा है और अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहा है लेकिन मजाल है हमारे नााहल हुक्मरानों की हवा से इकतदार में कोई फर्क आया हो और उनकी सियासी मसरूफियात और मौज मस्ती में कोई कमी आई हो और हर वो चीज़ वो हर चीज़ से बेनियाज होकर बेखबर होकर सिर्फ ऐवान इकतदार की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में और इकतदार हासिल करने के लिए आपस की रसा कशी में और अपने सियासी मुखालफी की किरदार कशी में मसरूफ़ नज़र आते हैं और ऐसे माहौल में उनके तर्ज अमल से यूं लगता है कि जैसे अपने मुल्क की गरीब आवाम के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है के राम हमारे असलाफ हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो हद से ज्यादा महंगाई और बे नाजायज मुनाफाखोरी को मुसलमानों को परेशान करने के हरगिज़ कायल नहीं थे वो अपने सामान्य तिजारत को मामूली नफा पर बेचते थे अपने मुसलमान भाइयों को तंगी से बचाकर आसानी उनके लिए पैदा करते थे और उनको खुश रखने की कोशिश किया करते थे क्योंकि ऐसा करना इस्लामी तालीमात से है

और कहत साली के दौर में अपना सामान तजारत मुसलमानों को इंतहाई सस्ता बल्कि बाजात तो मुफ्त भी दे दिया करते थे हजरत में एक मरतबा कहत पड़ा तो लोग हजरताननी रजी अल्लाह तये और जो ताजर थे उन्होंने भारी मुनाफा मिलने की पेशकश की आपका एक हजार ऊंटों का मुश्तमिल जो गला का एक स्टॉक आना था और तमाम खाने पीने की अशिया आनी थी आपने फरमाया नहीं मैं तुम्हें नहीं देता दो गुना मुनाफा कहा तीन गुना मुनाफा कहा चार गुना मुनाफा कहा उन्हें कहा हम ताजिर हम हैं यहाँ के इससे ज्यादा मुनाफा तुम्हें कौन देगा आपने कहा मुझे दस गुना नफा चाहिए उसने कहा भाई इतना तो कोई भी नहीं देगा आपने फरमाया मेरा रब मुझे अता फरमाता है ये कहकर आपने मदीना मुनावरा के मुसलमानों में मुफ्ती तकसीम फरमा दिया तो नाजन कराम सोचने की बात है कि महंगाई बढ़ने पर खुशी का इजहार करना और ये जो कुछ हमारे ताजर हजरात होते हैं ऐसे ताजरों को भी सुनना चाहिए गौर रखना चाहिए कि हजूर सल्लाम ने उनको बुरा कहा है हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तुसे रिवायत है कि हजूर सल अल्लाह तरमाया कि गला रोकने वाला बंदा बहुत बुरा है जबकि अल्लाह ताला सस्ता करे तो वो रंजीदा होता है और जब महंगा कर दे तो वो खुश होता है और हजरत मुफ्ती अहमदी पाक के तहत कि इससे मालूम होता है कि मुसलमानों की तकलीफ पर खुश होना और उनकी खुशी से नाराज होना यह लांती लोगों का काम है खुशी और गम में मुसलमानों के साथ रहना चाहिए ये क्या अभी गल्ला के नाजायज व्यापारियों का आम तौर पर यही हाल होता है कि जो आ, सस्ती चीजें उनका, उनका दिल बैठ जाता है वही और सस्ती हो गई और जब महंगाई के लिए जो है वो खुद सख्ता फिर महंगाई के लिए इस किस्म के अमल करते हैं तो उल्टे वजीफे पढ़ते हैं और लोगों से माज अल्लाह कहत की दुआएं करवाते हैं कि वक्त पर बारिश होते हैं उनके घर फिर अगर फिर, फिर सफे मातम बच जाती है तो दोस्तों आज की गुफ्तु हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये महंगाई और बेबरकती के कुछ क्या वजुहत हैं, इसबाब क्या हैं जिनकी वजह से चांद एक चीजों के महंगाई का एक बहुत बड़ी रीजन उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो जालमाना टैक्सेज हैं बुनियादी तौर पर टैक्स दो तरह के होते हैं एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको कहा जाता है और दूसरा टैक्स होता है जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है अब टैक्स आमदनी पर लगता है जैसे इनकम टैक्स है वेल्थ टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह और जो बिलवास्ता टैक्स होते हैं वो चीजों की वैल्यू पर होते हैं जैसे ये आप समझे कि सेल्स टैक्स है वो वैल्यू एड टैक्स है एक्साइज है कस्टम ड्यूटी वगैरह है तो पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो अशिया पर जरूरत से ज्यादा जालमाना तौर पर आयद किए जाने यही बिलवास्ता टैक्स हैं क्योंकि इन बिलवास्ता जो इंडेक्ट टैक्सेस हैं इनके लागू होने से माशी तरक्की का जो सफर है वो सुस्ती का शिकार हो जाता है और मुल्क की पैदावार में शीद कमी होती है और चीजें जो है वह असल कीमतों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस तरह वो आवाम की कुत खरा

टैक्स ऐसे फुकरा और मसाकीन और बेचारे जो भिकारी होते हैं वो भी देने पर मजबूर हैं जिनके पास दो वक्त का खाना भी मुयसर नहीं होता बल्कि वो अपने घर का निज़ाम भी जक़ात खैरात सदक मांग मांग के फितराने से और सदके खैरात से घर का निजाम चला रहे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स वो भी दे रहे होते हैं

जन्नत में दाखिल नहीं होगा नाहक टैक्स वसूली जहन्नम में दाखिले का सबब है एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया वा इन्ना साहिबल नार के नाह वसूल करने वाला जो है वो जहन्नम में जाएगा तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी रियाया को अपनी आवाम पर बेजा टैक्सों का बोझ ना डालें उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करे। करें फौरी तौर पर बिलवास्ता टैक्स को सिरे से खत्म करें ताकि गरीब आवाम और बेरोजगार शहरी मुतासर ना हो और अगर ये मुमकिन नहीं है फौरी तौर पर टैक्सेस खत्म करना तो फिर इसको कम से कम तरीन सतह पर ले आए ताकि गरीब आवाम को तो कुछ तो रिलीफ मिले वरना हमारा ये वतन अजीज़ यूं ही आईएमएफ के चुंगल और आलमी बैंक जैसे इसतसली इदारों के चुंगल और उनकी मनमानियों का शिकार होता रहेगा और मुल्क का गरीब तबका हुक्मरानों की नााहली और बदनवानी की वजह से इस बढ़ने वाली महंगाई के बोझ तले मज़ीद तर दबता चला जाएगा तो नाजिर ने कर महंगाई का एक जो दूसरा बड़ा सबब है और दूसरी बड़ी रीजन है वो गैर जरूरी अखराज हैं हकूमत के शाह अखराज इतने ज्यादा हैं कि उनको पूरा करने के लिए गरीबों फकीरों मस्किनों का जो मस्तक ज़कात है उनसे भी टैक्स वसूल करना पड़ता है हर हकूमत अपने सियासी मफादात के लिए पांच साल मनसूबे लाती है वो एक तरह के कॉस्मेटिक्स मंसूबे होते हैं कास्मेटिक्स प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें दिखाकर आवाम से वोट हासिल किया जाता है और फिर जो तवील मदद मनसूबों पर कोई हुकूमत काम ही नहीं करना चाहती क्योंकि वो काम उनके पांच साल दौरे इकतदार में मुकम्मल नहीं हो सकेगा और उसका क्रेडिट अगली हुकूमत को मिल जाएगा लिहाजा ज़ाहरी दिखावे के जो प्रोजेक्ट हैं उनको तरजीह दी जाती है वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके उनको जह किया जाता है यही वजह है कि हमारा मुल्क बुनियादी पैदावार में अजनास में जरिए अजनास में खुद कफील होने के बावजूद भी देगर ममालिक का मोहताज बनकर रह गया है यहां तक एक जरी मुल्क होने के बावजूद भी हमारे पास फूड आइटम की जो है वो दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती है हमारे अपने ही मुल्क में गंदम हम इंपोर्ट करने वाले लोग थे उसके लिए लाने लगी हुई है चीनी में हम खुद कफील थे उसके लिए इतनी तवील तवील लेने हैं सितम बाल सितम तो ये है कि हुक्मरानों को अवाम का एहसास तक नहीं मगर खुद अवाम को भी कहां अपना एहसास है आज हमारी अक्सरियत फजूल खर्चियों का सिलसिला जारी रखी हुई है बड़े बड़े होटलों पर देखिए बड़े उमदा खाने महंगे महंगे फैंसी कपड़ों में और मलबूसात पे पेश कीमत जो सजावटी सामान है और इन एक बहुत बड़ा खर्च जो है हमारे सामान तायश पर खर्च हो रहा है हमारी फजूल खर्ची और हमारे इसलाफ पर हम जब तक काबू नहीं पाएंगे उस वक्त तक हम महंगाई पे काबू नहीं पा सकते ये रोना फिर इसी तरह ही रोते रहेंगे नाजिन कराम याद रखे इस्लाम में फजूल खर्ची की आपको मालूम है कि बड़ी सख्ती से ममानियत है और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया गया है फरमाया अल्लाह अ तबी ने वाला तोजीरा इन बजीना इखवान शयातीन के फजूल खर्ची में पैसा ना उड़ाओ फजूल खर्च ना करो यकीन फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं एतदाल और म्याना रवि जो है ये सबसे बेहतरीन रास्ता है और इसी पर चल कर ही जब हम दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी से हमकिन हो सकते हैं महंगाई की जो चौथी वजह है वो है एक बहुत बड़ी जो शाना तर्ज जिंदगी है हम लोगों ने महदूद ज़राए आमदन के बावजूद बेतहाशा गैर जरूरी चीजों को अपनी जरूरत बना लिया है जो बुनियादी तौर पर हमारी जरूरत नहीं है हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज जो मबर मगरबी ममालिक हैं जो लंदन और पेरिस के रहने वाले हैं उन जैसी पुरतष जिंदगी गुजारना चाहते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं उसके लिए कर्जा लेने से भी गुरेज नहीं करते अब इस पुरासाइश जो तर्ज़ ज़िंदगी है और इस सामान तजीन आरइश है और बेजा किस्म की ख़रीदारी है गैर ज़रूरी किस्म के अखराजात हैं बाज़ारों की शॉपिंग है और ऐसे इन चीज़ों की खम खाही किल्लत हो रही है और नित नए डिज़ाइन है और नए पैदावार ज़रा जो है उसके मुतबाद जो है वह चीज़ें बन नहीं पा रही लेकिन जो पड़ी हुई है अब उसके ताजर हजरात अपने मुंह बोले दाम वसूल करते हैं इसकी वजह से महंगाई में भी एक बहुत बड़ा इजाफा होता है इसी तरह महंगाई की जो पांचवी वजह है वो है फ्यूल का गैर जरूरी इस्तेमाल नाजन कराम हमारी महंगाई जो दिन दिन बढ़ती जा रही है उसकी एक वजह जो है हमारा फ्यूल का गैर जरूरी इस्तेमाल एक वक्त था कि जब लोग आ, किसी सफर पर जाना होता था तो उस जरूरत के तहत ही सफर किया करते थे महीनों उसकी तैयारी होती थी उसकी पहले प्लानिंग होती थी सफर पर पेश आने वाले हालात वाकयात का मुशाह किया जाता था और उसको सफर नामा की सूरत में बाकायदा कलम बंद किया करते थे क्योंकि उस वक्त सफर करना एक बड़ा एक मार्का वाला काम समझा जाता था जबकि आज तरक्याफ्ता दौर में नित नई सफरी सहूलियात आ गई हैं और जरा नकलो हरकत जो है वो अमान है हमारी जो है अब गैर जरूरी सफर हमारी आदत बन गई है सो, सफरी सहूलियात की बिना पर अब यार दोस्तों की महफिल में बैठे बैठे अचानक ही घूमने फिरने का वारा गर्दी करने का प्रोग्राम बन जाता है ओ यार चलते हैं आउटिंग पे चलते हैं अब लोग सैर तफरी को पिकनिक का नाम देते हैं लॉन्ग ड्राइव के नाम पर गाड़ी लेके निकल जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर तक कि जो है वो गाड़ी ऐसे गैर जरूरी तौर पर जो सफर किया जा रहे हैं और बेतहाशा ईंधन है फ्यूल है उसको ऐसे फूंक डालते हैं और फिर इस पर गौर करने की जरा बराबर भी जहमत गवारा नहीं करते कि हजारों लीटर का जो पेट्रोल हमने एक गैर जरूरी सफर पर महज आउटिंग के लिए जय किया है वो हमारे अपने मुल्क की पैदावार नहीं है क्या उसके लिए दीगर ममालिक को लाखों डॉलर नहीं देने पड़ते भारी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता जिसकी वजह से हमारी मीशत पे ए, उसका असर नहीं पड़ता कौमी खजाने पे बोझ नहीं पड़ता महंगाई में इससे तेजी से इजाफा नहीं होता जो गरीब है उनका दिल नहीं दुखता इसी तरह ये सिर्फ फ्यूल ही नहीं है पेट्रोल ही नहीं है हमारे वतन में बिजली भी वो भी तेल से पैदा की जाती है इसलिए बिजली का भी बेदरेगा इस्तेमाल किया जाता है ये भी महंगाई में इजाफे का और गैर मुल्क कर्जों में इजाफे का एक बड़ा सबब है लिहाजा फ्यूल हो यानी पेट्रोल है या बिजली है इसको हर गजाय नहीं करना चाहिए गैर जरूरी सफर और सैर स्पाटों से इज्तनाब करना चाहिए इससे आपका पैसा भी बचेगा आपका वक्त भी बचेगा तो नाजीन कराम अब ये अशिया जो जरूरिया है इनका बाजारों में वाफिर मकदार में मौजूद ना होना उसकी किल्लत होना जो है ये भी महंगाई का एक बड़ा सबब है जो चीज़ वाफिर मकदार में मार्केट में मौजूद होती है तो उसकी तलब ज्यादा और पैदावार कम होती है तो उसकी कीमत दिन ब दिन जो है फिर बढ़ती जाती है उसकी मकदार पूरी ना हो हाँ कम होगी तो फिर उसकी महंग जो है उसकी तलब ज़्यादा होगी और रेट उसका बढ़ेगा और अगर उसकी रसद पूरी है जितनी आगे तलब नहीं है तो फिर उसकी बिला वजह महंगाई नहीं होगी इसी तरह नाजी ने करम महंगाई की एक अहम वजह बल्कि सातवीं वजह यह है कि नाप तोल में कमी हजूर करम सल्हम ने फरमाया कि जो कौम नापतोल में कमी करती है अल्लाह उन्हें महंगाई और फलों की कमी में मुबतला फरमा देता है नाजिर कर नापतोल में डंडी मारना और साहेब हक को उसके हक से महरूम कर देना या उसके हक से कम देना कयामत के दिन बड़े खसारे का सबब होगा और बड़ी बर्बादी का बायस बनेगा

क्या उन लोगों को यह गुमान नहीं है कि उनको उठना है एक दिन मबूस किए जाएंगे एक अजमत वाले दिन के लिए जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लोगों के हुजूर हिसाब के लिए खड़ा करेगा सब लोगों को लिहाजा नाप तोल में जो हजरात कमी बेशी करते हैं हमेशा वजन से कुछ ज्यादा ही दिया करें ताकि उसकी जो चंद दाने ज्यादा ही चले जाए और यही हमारे आकर सलात वसलाम का अपना तर्ज अमर तजारत में रहा है नबी करीम सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी को दो तो उस वजन से कुछ ज्यादा दिया करो इसी तरह महंगाई की एक वजह अजी ने कराम एक जो अशिया खुर्दो नोश की चीजें हैं उनकी जखीरा अनदोजी करना यह भी महंगाई का एक बड़ा सबब है अभी रमज़ान शरीफ़ आया खजूरों का लोगों ने पहले स्टॉक कर लिया और फिर रमज़ान शरीफ में ज़ाती नफ़े की खातिर जो है वो खाने पीने की दीगर अशिया खजूरें जो हैं वो फिर उनको दाम बढ़ने का इंतज़ार होता है और फिर उसको मार्केट में लाते हैं ये हमारी इंतहा मजमूम है और इंसानियत के भी मुनाफी है और इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानियत की गई है नबी करीम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान के लिए कोई अशिया उनकी जरूरत की अशिया को महंगा करने की कोशिश की बिला जवाज अल्लाह ताला उसका ठिकाना क़यामत के दिन जरूर बड़ी आग में बनाएगा तो नाजी ने करा इसी तरह बाजार में माल तिजारत पहुंचने से पहले ही खरीदना और उसे जख़ीरा करके मसनू किल्लत पैदा करना यानी महंगाई का ये सबब बनना अल्लाह ताला की रहमत से दूरी का सबब है और उसकी फटकार का बास है और इसके बरक्स कहत साली के ज़माने में खाने पीने की अशिया बाजार में फ़राम करना लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करना और महंगाई में कमी लाने की कोशिश करना ये अल्लाह की रहमतों का हकदार बनने के लिए और अपने रिज्क में खैर बरकत का एक जरिया है

उन असबाब में से एक अहम चीज जो है वो कैपिटल है तो इसी तरह हमारे वतन अजीज में जो मौजूदा पूरी दुनिया समेत हमारे वतन अजीज में जो महंगाई का एक बड़ा सब वो कंज्यूमर भी का फरोग भी है माशरे में फर्जी जरूरत पैदा करके बाजार में अपना माल इस तरह से पेश करना कि जैसे उसको खरीदे बगैर कोई चारा ही ना हो ये तरीका कंज्यूमरिज्म कहलाता है आसान लफ्जों में समझने के लिए अपनी एक मिसाल लीजिए कि पहले पहले साल में सिर्फ एक मरतबा ईद के मौके पर कपड़े सिलवाते थे लेकिन आज जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है हर नए फैशन के कपड़े बनवाना लाजिम समझता है बल्कि आजकल तो यह ट्रेंड मजीद मॉडरेट हो गया है कि अब ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग शुरू हो गई है मजे से खरीदारी करता है इसी तरह कोई अप, अपने मुकम्मल तर्ज जिंदगी पर गौर करते चले जाए तो बेशुमार आपको मिसालें ऐसी सामने नजर आएंगी आपके जो आपको मसला खुद खुद ही समझाती चले जाएंगी इस गैर ज़रूरी और बेतहाशा शॉपिंग की वजह से लोग समझते हैं कि शायद हमने तरक्की कर ली है और हम माशी तौर पर मजबूत हो गए हैं हालांकि दर हकीकत हम पस्ती और जीवाल की तरफ जा रहे हैं लिहाजा वक्त का तकाजा ये है कि ऑनलाइन खरीदारी और मगरबी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे हर चीज़ दरामद करके और हर चीज़ इम्पोर्ट करके और हम उनके खरीदार बनकर जो है वो ना रहें बल्कि इन जरूरत है, अपने वतन में पैदा करें ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें इम्पोर्ट करने की बजाय जो है हम एक्सपोर्ट करें गैर मुल्क कर्ज़ों से भी हम निजात हासिल कर सकते हैं तो इस्लामी तलीमत की रोशनी में अपनी मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो ख़ुद बनानी चाहिए ताकि हमारी मुल्क की मीशत में बेहतरी और हमारी आवाम जो है वो भी खुशहाल हो महंगाई की कमी इसमें भी कमी सके। आ सके नजी कर इसी तरह आ, बात हमारी तवील हो रही है लेकिन महंगाई की एक वजह बड़ी वजह बिजली की कीमत का बेश जो बेतहाशा इसमें इजाफ़ा हो रहा है ये भी महंगाई की एक वजह है कि चीज़ों की लागत जो है फैक्ट्रियों में जो बनाई जा रही हैं उसकी कॉस्ट में जो है वो कई गुना इजाफा आ रहा है इस वजह से ताज़े हज़रत भी आ, साथ साथ आम लोग भी मुतासर हो रहे हैं तो इसी तरह एक और वजह जो हमारे यहाँ महंगाई के अबाब हैं वो है करप्शन और बदनवानी हमारे हुक्मरान हमारे वजरा हमारे कौबी और अराकिन हमारे जजेस हमारे वकला हमारे सहाफ़ी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर आम सरकारी मुराज मुलाजमी तक करप्शन और बर्दनवानी और रिश्वत के लेन देन में सर से लेकर पाँव तक मुलवस हैं पूरे पूरे, पूरे महकमे डूबे हुए हैं बंदा एक ईमानदार आदमी को वहाँ पर रहना और वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है तो था 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 और मनसबी तकाज़ों के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अपने फरज़ की अदायगी में कोताही बरत रहे हैं और उनका ये मजमूम फेल कौमी ख़जाने में बड़ी कमी का भी बास बनता है और तरक्की की रफ़्तार में भी सुस्त रवी का आ, सबब होता है बैरूनी कर्जे का बोझ भी बढ़ते हैं और साथ साथ का जीना भी महाल होता है कराम इसी तरह और भी कई वजूहत हैं हमारे वतन अजीज़ में जिनका जो है वो अहाता करना इस मुख्तर वक्त में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पर अगर उनमें से मैं एक चीज़ जो है वो पॉइंट आउट करना चाहूँ तो वो हमारे हमारी जो अशराफिया है उनको हासिल मुरात है हमारे सियासतदानों का प्रोटोकॉल है तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमें दिन रात तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही है अब आखिर में मैं ये चंद एक बातें जो हैं इसलिए करना चाहता हूँ कि महंगाई से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए अब अब ये सारे हो गए ना अल्लाह रब्बुल सबसे पहली चीज है एक तो हमें इसको अपनाना चाहिए वसल्लम के जमाने में भी अगर इस किस्म की कोई चीज इतनी महंगाई खैर होती नहीं थी लेकिन अल्ला रबुलमी ने एक करम फरमाया है अब लेकिन एक रिवायत मुझे याद आ रही है के हवाले से लिखा है हजरत अब हाजिम रमत के पास कुछ लोग आए और अर्ज की अब तुम देखते नहीं हो कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है अब हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए हजरत हाजम ने कहा कि तुम्हें किस बात का गम है यकीनन जो ज़ात हमें कुशादगी वाले हालात में रिज अता फरमाती फर्मा, थी अब भी वही इस तंगी और महंगाई वाले हालात में भी रिस्क देगी यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में लगे रहो उस पर तवक्कुल करो तो वो रब तुम्हें अब भी फरमाएगा इसी तरह नाजिन कराम तोबा इसतगफार की कसरत करनी चाहिए इससे भी आदमी के रिज में बरकत होती है और नदीस में है कि जो बंदा इसतफार को लाजम पकड़ देगा अल्लाह उसे तंगी से निकाल देगा और गम से निजात अता फरमाएगा और उसे वहाँ से रिज्क देगा जहाँ उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा इसी तरह नाजन कराम अल्लाह की ज़ात पर जो तवक्ल है वो भी हमारा कामिल होगा के हलाल कमाने में भी एक म्याना रवि इख्तियार करना ये भी इसका एक सबब है फ़जूल ख़र्ची से और इसराफ से इससे इज्तनाव करना चाहिए महंगी अशिया जो हैं उनको ख़रीदने की बजाय उसका मुतबाद तलाश किया जाए और सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें जो हमारी इंतहाई ज़रूरत हों वो ज़रूरत की चीज़ें ही ख़रीदारी करनी चाहिए हमारे ताज़ रात को जो है वो इस्लामी असूल तजारत को अपनाना चाहिए उसके मुताबिक उनको अमल पैरा होना चाहिए सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं और वक्त का तकाजा है हमारे हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है और जो इलिट क्लास तो उन लोगों का काम है कि इस नेक काम में पहल करें कि पुराय ज़िंदगी जो है इसका खात्मा करें करेंशी जो निज़ाम की तबाही के जो चीज़ें ज़िम्मेदार हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए लूट खसूट और करप्शन को ख़त्म किया जाए और हमारे हुक्मरानों को रियाया का जो है वो ख़्याल किया जाए तो हमारे मुल्क हालात बेहतर हो सकते हैं अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो और हमारे हाल पर रहम फरमाए इसी के साथ ही ख़्वाजा चुकसैन को तो इजाज़त दीजिए अल्लाह हम सब का हम नासिर हो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू